बात करें अगली खबर की तो अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां शिवपुर नगर पालिका के अध्यक्ष लाल मुनि यादव ने अपनी वित्तीय अधिकार खत्म होने पर स्थानीय विधायक भैया लाल राजवाड़े पर प्रशासनिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, वित्तीय अनियमितता के कारण नगरी प्रशासन और विकास विभाग ने दो नगर पालिका अध्यक्ष की वित्तीय अधिकार को आगामी आदेश तक खत्म कर दिया था। इसके तहत ही शिवपुर के अध्यक्ष लाल मुनि यादव का कहना है कि बैकुंठपुर विधायक ने पहले हमारे पार्षद पर दबाव बनाया, जब पार्षद नहीं टूटे तो उनके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन मैं कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। जब से यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट हुई है, पहले हमारे सभी पार्षदों को तोड़ने का कोशिश किया गया है, जब पार्षद नहीं टूट पाए तो हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, फिर हमारे दबाव का निराधार करने के चलते ये यहाँ के स्थानीय विधायक भैया लाल राजवाड़े जी का पूरा खेल है और वही ये काम करवाएं। ये तो दो जगह फिर कैसे बोलेंगे? नहीं, यहाँ का वो उनका विशेष टारगेट है, वहाँ का पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ का उनका विशेष टारगेट है। और मैं पहले भी लेटर दे चुकी थी और हमारी कलेक्टर साहब से भी दिशा की मीटिंग में मैं अपने क्षेत्र के बारे में उनसे मैं बात भी की थी। पुलिस सर, हमारे यहाँ सारे काम रोक दिए गए हैं। माननीय भैया लाल राजवाड़े जी के द्वारा सीएमओ साहब पे दबाव बनाया जा रहा था कि किसी भी चेक में साइन नहीं किए जाएंगे। वित्तीय अनियमितता के चलते हुआ है, केवल शिवपुर चर्चा का नहीं मामला है, मुंगेली में नगर पालिका या नगर पंचायत जो है वहाँ का भी सेम यही केस है। इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो आरोप लगाएंगे ही, जबकि ये प्रक्रिया प्रशासन की, अगर कोई भी नगर पालिका में भ्रष्टाचार उजागर होता है तो ये प्रक्रिया होती ही है। इसके पहले भी हमारे बैकुंठपुर में भी एक बार जब निर्दलीय पार्षद थे तो ये इस चीज़ हुई थी।